यूटा डेटा सर्विस जो कि मंडे को अनाउंस किया कि वो पार्टनर कर रहा है नेपाल की बीएलसी होल्डिंग के साथ, और यहाँ पर बनेगा नेपाल में नेपाल का पहला सुपर क्लाउड डेटा सेंटर फैसिलिटी जिसको कहा जाएगा K1, और ये बनने वाला रामकोट नियर काठमांडू में। आपको बता दें कि नेपाल का पहला सुपर क्लाउड डेटा सेंटर होगा जो कि ऑफर करेगा फुल स्टैक ऑफ क्लाउड मैनेज्ड आईटी और साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज को, जिनको ये स्टोर करेगा, प्रोसेस करेगा डेटा और एप्लीकेशंस को वेरियस केसेस के लिए, एआई मॉडल्स के लिए और इंटरप्राइजेस के लिए, कंपनीज के लिए यहाँ पर एक अच्छी सर्विस देगा। अब इसकी महत्वता बहुत ज़्यादा है। आमतौर पर जो सर्वर्स हैं वो कहीं ना कहीं नेपाल की कंपनीज को या फिर किसी भी अगर बिजनेस को चाहिए तो वो नेपाल की जगह, नेपाल में बिजनेस कर रहा है तो वो कहीं इंडिया में सर्वर ले रहा है या फिर कहीं और देश का सर्वर यूज़ कर रहा है, तो उसके चलते यहाँ पर क्या होता है कि जो दूसरे देश के सर्वर्स होते हैं उनके पास नेपाल का डेटा जाता है। अब यहाँ पर एक अच्छी चीज़ है कि नेपाल का ये पहला डेटा सेंटर है तो यहाँ पर जो डेटा है वो नेपाल में ही स्टोर होने वाला है। अब इससे फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पर स्पीड और सिक्योरिटी ज़्यादा अच्छी होगी। अब इसमें कई तरीके के डेटा हो सकते हैं। अब इसकी मदद से यहाँ पर बिजनेस को एक बढ़िया असेसमेंट मिलने वाला है, एक अच्छी ग्रोथ मिलने वाली है इस यूटा डेटा सर्विस के चलते। आपको बता दें कि K1 ऑफर करने वाला है वेरियस की फीचर्स जैसे कि एडवांस डेटा सिक्योरिटी, कस्टमाइज बिजनेस सॉल्यूशन, इंडिजीनियस हाइपर स्केल क्लाउड ऑफरिंग, स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सिक्योरिटी, सीमलेस इंटीग्रेशन विद आईटी सर्विसेज, साथ साथ 24/7 कस्टमर सपोर्ट। तो यहाँ पर एक डेटा सेंटर जो कि नेपाल में खुला है जिसका नाम है K1, और ये आप लोगों की बिजनेसेस की मुश्किलें कहीं ना कहीं इजी करने वाला है। एक ये अच्छी चीज़ है, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आने वाला है कि इसकी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बट आपको बता दें कि ये नेपाल की एम्पावरमेंट का एक पहला कदम है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एक अच्छी चीज़ है। साथ साथ आपको बता दें कि नेपाल के चौधरी ग्रुप्स के चौधरी ने कहा कि न्यू सुपर क्लाउड डेटा सेंटर विल जनरेट जॉब्स फॉर कंस्ट्रक्शन टू हाई टेक ऑपरेटर एम्पावरिंग नेपाल वर्कफोर्स। तो कहीं ना कहीं जॉब्स के भी यहाँ पर और ज़्यादा ऑप्शन खुलेंगे, और जो आईटी सर्विस करते हैं, जो आईटी से रिलेटेड हैं, वो कहीं ना कहीं जॉब नेपाल में भी कर सकते हैं, जिसके लिए जॉब्स के लिए उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, भारत नहीं जाना पड़ेगा या फिर कोई और देश नहीं जाना पड़ेगा, और अपने देश का डेवलपमेंट करने में लोगों की एक फोर्स लगने वाली है। तो ये एक अच्छी खबर है। आपको कैसी लगी ये खबर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सही दिखते रहे NN News with शिवम ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए। धन्यवाद।